देखो दो टाइप के ट्रैफिक होते हैं, कभी कभी गियर अप करने के बजाय डाउन कर देते हो। बीच रोड में चालू करने का कोशिश मत कर, बहुत नजदीक से वो गलती मत करो। बाबा नया दिन नई शुरुआत नई कहानी और नया सीख। वेलकम टू माइंड योर चैनल लडाहोलिक व्लॉग्स। गाड़ी का हालत तो देखो खत्म हुआ पड़ा है। जाने से पहले पूरा कीचड़ में नहला के गया था इसको, अभी साफ करने जितना टाइम नहीं है। बाहर जाना है दोस्त के पास चार्जर, और वॉच का और फ़ोन का चार्जर उधर ही छोड़ दिया। सॉरी बाबा, चार दिन से वीडियो नहीं आ पाया, कुछ इंटरनल अफेयर्स के कारण क्या है बेंगलुरु को जाना पड़ा। बेंगलुरु को जाके आने गाड़ी लेके नहीं गया, ट्रेन में गया और ट्रेन में आया, तो चार दिन लग गए, चार दिन वीडियो नहीं डाल पाया। कुछ और काम से गया था, नहीं तो चाहिए तो इंडिपेंडेंस डे का भी वीडियो बना सकता था, पर हो नहीं पाया। कोई नहीं, अभी आज क्या है आपको बताऊंगा ट्रैफिक में राइड कैसे करने का। ये आपको लास्ट टाइम वीडियो में ब्लाइंड स्पॉट बताया था ना, यही है देखो ब्लाइंड स्पॉट। सामने ट्रक जा रहा है, ठीक है, आप कट मारते समय सोच समझ के क्या है राइट से ओवरटेक मारने का। लेफ्ट से मारने जाओगे ना, ट्रक वाला भी लेफ्ट को ले लेगा और बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा। वो राइट ड्राइविंग रहता है ना, तो राइट रियर व्यू मिरर में पहले देखेगा। हाउ टू राइड इन ट्रैफिक बहुत सारे लोगों ने पूछा है, बाबा ट्रैफिक में कैसे चलाए, कुछ आइडिया होगा तो वीडियो बना दो। हाँ बाबा बिल्कुल आइडिया है, और जितना मेरे को आइडिया है उतना वीडियो मैं बना दूंगा। या अभी मेरे जैसा मत चलाओ अगर आप बिगिनर हो तो, मेरे को क्या एक्सपीरियंस है पता है, गाड़ी अनपढ़ लोग कैसे लोग कहाँ मुड़ेंगे क्या पता है, इसीलिए आराम से चलाता। और कभी भी वो मोस्ट ऑफ द लोग क्या है ट्रैफिक में पैनिक हो जाते हैं, पैनिक मार देता है उनको। अगर समझो बहुत सारा भीड़ है, यहाँ वहाँ से गाड़ियाँ आ रहे हैं, ऐसे समझो तीनों तरफ से गाड़ी आए, तो उनको समझ में नहीं आता है क्या करें। पहली बात तो क्या है, आप जैसे आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, झंडा फहराया देखो इधर फैलाया, हाँ तो जैसे आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, आधा क्लच और आधा ब्रेक दोनों पकड़ के गाड़ी कभी नहीं चलाने का। या तो पूरा ऐसा मेरे जैसा हाथ छोड़ दो या उस पर सिर्फ हाथ रखो, वो हो गया पहली बात। और कभी भी ट्रैफिक में क्या है बिगिनर हो तो 30 के ऊपर स्पीड जाने मत दो बिल्कुल, 30 के ऊपर या थर्ड फोर्थ गियर के ऊपर। ट्रैफिक में थर्ड फोर्थ गियर तो पॉसिबल नहीं है, थर्ड पॉसिबल है फिर भी आप चाहिए हो सकता है तो सेकंड गियर में ही रहो, ज़्यादा गियर्स बढ़ाने का ये मत करो। क्योंकि आप थर्ड फोर्थ गियर में रहोगे, आपको सडन कोई आ गया बीच में, आप स्लो करने जाओगे फोर्थ गियर में, गियर डाउनशिफ्ट करना भूल जाओगे, ठक 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 करेगा गाड़ी, झटके खा के जो है बंद मार देगा, बंद हो जाएगा। और चार लोग पीछे से चिल्लाएंगे, चार लोग आगे से चिल्लाएंगे, वो सब मगजमारी होता है, इसलिए लो गियर्स पे मेंटेन करा करो ट्रैफिक में। और बिगिनर हो सिटी में मोस्टली लेफ्ट ड्राइविंग प्रिफर करो आप, ओवर लेफ्ट ड्राइविंग नहीं, ज़्यादा लेफ्ट में नहीं, बस थोड़ा सा लेफ्ट में। अगर आपको राइट को भी जाना है तो रियर व्यू मिरर देखो, राइट या लेफ्ट कहीं भी मुड़ना है तो इंडिकेटर ज़रूरी है, इंडिकेटर डालो फिर ही जो है आप टर्न लिया करो। अगर हो सकता है सिटी में तो हाथ भी दिखा दिया करो, क्योंकि क्या है लोग इंडिकेटर देखते नहीं, फिर बोलते भाई इधर इंडिकेटर कौन दिखता गाँव में, ऐसा वैसा। मेरे साथ बहुत सारे मगजमारी हो चुके हैं, इसीलिए जो है आपको बता रहा हूँ, इंडिकेटर डाल के फिर हाथ भी दिखा दिया करो अगर हो सके तो। और थोड़ा आगे अलग ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक मैं बताता हूँ आपको चलाना कैसा। देखो दो टाइप के ट्रैफिक होते हैं, एक होता है डिसिप्लिन ट्रैफिक, क्या बोलते हैं यार उसको, अग्रेसिव ट्रैफिक, हाँ अग्रेसिव ट्रैफिक। अग्रेसिव ट्रैफिक मतलब पब्लिक अग्रेसिव रहता है, मानते नहीं है, ऐसे वैसे चलाते हैं, आड़ा टेढ़ा कट मारते हैं, लोग आड़े टेढ़े चलते रहते हैं ऊपर मतलब रोडों पर। और गाय भाई से ये देखो सामने वो औरत देख रहे हो, ट्रैफिक इधर से आ रहा है उसको फर्क नहीं है, मेरे को मारना है मार के निकल जाओ, इधर देखो ना भाई ऐसे गाड़ी आ रहा है ना, ऐसे थोड़ी आ रहा है उधर देख के चल रहे हो। तो अभी बोल रहा था ना स्कैम ट्रैफिक, ये ऐसा है, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग समझते हैं गाड़ी अपने आप रुक जाएगा मेरे को देख के। ಹಾ ಅದರಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಲಾರ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನ ಹಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಬೋಲ್ ರೇ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೈ ಕಿ ನೀ ವೋ ಮೇರೆ ಫೇಸ್ ಕೋ ದೇಖ್ ಕೆ ಜಜ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈನ್ ಬಿನಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಹನ್ ಕೆ ಕೌನ್ ಘೂಮ್ನೆ ನಿಕಲಾ ಹೈ ಇಧರ್ ಬೀದರ್ ಮೇ।
लाइसेंस नहीं था मेरे पास, मेरा गलती था, लाइसेंस घर पे रखा, वॉलेट लाया नहीं, और साला परिवहन ऐप भी करेक्ट टाइम को लॉग आउट हुआ। बेंगलुरु में सब लॉगिन था, इधर आते ही लॉग आउट हुआ। हाँ वो सब बातें छोड़ देते हैं। ये देखो बाबा, ये है किरक ट्रैफिक, है कहीं से भी आएंगे लोग, वन वे रोड है, टू वे रोड नहीं है, ये वन वे मतलब सिंगल लेन रोड, ऐसे आने का जाने का एक ही रोड है। तो इसमें क्या है, ज़्यादातर लोग हैबत हो जाते हैं, हैबत मतलब हड़बड़ी हो जाता है। हड़बड़ी में क्या है, आप एक्सलेट कम करने के बजाय एक्सलेट ज़्यादा दे देते हो, और गियर डाउन करने के बाद गियर अप कर देते हो, कभी कभी गियर अप करने के बजाय डाउन कर देते हो, तो वो सब झटके वटके लगता है ना। कोई टेंशन नहीं लेने का, गाड़ी आपका बीच रोड में बंद पड़ रहा है कोई फ़र्क नहीं, 10 लोग हॉर्न मारेंगे, 10 लोग गालियाँ देंगे, फ़र्क नहीं पड़ता। गाड़ी बंद पड़ गया, गाड़ी वहीं बंद कर दो रोड पे, न्यूट्रल डालो, साइड में धक्का मार के ले जाओ और चालू करो। बीच रोड में चालू करने का कोशिश मत करना। मेरे को भी बहुत सारा पैनिक अटैक्स हुआ है ऐसा, बीच रोड में चालू करने की कोशिश करते हैं, चालू होता नहीं है, पैनिक हो जाता है, लोग चिल्लाने लगते हैं, वो सब स्कैम होता है। तो वो सब स्कैम से थोड़ा बच के रहने का मेन चीज़ तो ट्रैफिक में है। देखो स्कैम वही पैनिक ही है मेन, और बाकी चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिटी में आप बिगिनर अभी अभी गाड़ी सीख रहे हो, बिल्कुल ओवरटेक मत करो, स्पेशली इन सिटी, मार्केट एरिया है, सब भीड़ भाड़ का जगह है, ओल्ड सिटी जैसा जगह है, ना 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 कोशिश ही मत करो। आप राइट से भी ओवरटेक करने जाओगे, ये देखो मैं राइट से ओवरटेक कर, ऐसे लेफ्ट में जो टर्न्स है ना, अभी बस के आगे समझो टर्न है, उधर से गाड़ी आ रहा है, मैं ऐसे ओवरटेक कर रहा हूँ, वो एकदम से टर्न ले लिया, हो गया एक्सीडेंट हो जाता। तो मैं भी अभी जैसे चला आ रहा हूँ, मेरे को थोड़ा गड़बड़ी है, फ़ोन में चार्ज नहीं, इसीलिए इसे चला रहा हूँ। आप ये मत करो, बिल्कुल बोला ना मैं 30 अबाव ये मत करने जाओ स्पीड, और हो सके तो हर जैसे भी राइट लेफ्ट से गाड़ी आए हॉर्न मारते रहो, क्योंकि हॉर्न मारना भी उतना ज़रूरी है। नो हॉकिंग जोन है तो अलग बात है, अगर हॉर्न मार सकते हो तो बिल्कुल मारो भाई, लोग हॉर्न सुनते हैं, भले इरीटेट होके सुने पर सुनते हैं, ज़्यादा भी नहीं मारने का, एक दो बार हॉर्न मारने का, ये यहाँ ज़रूरी है। देखो सर्कल है पर लोग यहाँ से भी आ जाते हैं, अलग अलग ट्रिप के ट्रैफिक में अलग अलग तरीके से आपको चलाना पड़ता। मेन बात क्या है, पैनिक होने का नहीं, मेन बात क्या है, पैनिक बिल्कुल नहीं होने का। वाले कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी सिचुएशन हो, गाड़ी बंद पड़े, गाड़ी लाइट एक्सीडेंट भी हो जाए, समझो गाड़ी ऐसे ठुक के किसी को थोड़े स्पीड में ठुक के गिर गया, कोई नहीं, सीधा पहला आपका गलती है सॉरी बोलने का, आपका गलती नहीं है वो आप समझो, अगर आपका गलती है पहला सॉरी बोल देने का, माफ़ी बोल देने का, जो है फाइन वाइन बोले का भर दो, कोई टेंशन नहीं। और मैं जैसा ऐसा गाड़ी के एकदम बगल से गुजरता हूँ ना, बहुत नज़दीक से, वो गलती मत करो बिगिनर हो तो, अगर एक्सपीरियंस हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आ ही जाए। एक्सपीरियंस हो तो पहले बात तो ये वीडियो देखेंगे नहीं, फिर भी एकदम बगल से नहीं गुजरने का, क्योंकि समझ में नहीं आता है। अब क्या करते हैं लोग, ये समझो ये खड्डा है एकदम ऐसा, ये सुबह सामने खड्डा दिख रहा ना, एकदम से ऐसा राइट या लेफ्ट ले लेंगे, ठुक जाएगा गाड़ी। अभी एक्सपीरियंस होते होते ना आपका चलाने का तरीके जो है बदलते जाएंगे, कभी आप ट्रैफिक देख के चलाओगे, कभी आप गड्ढे देख के चलाओगे, कभी गड्ढे और लोगों को साथ में देख के चलाना पड़ता है, कभी भी कान और आँख चारों तरफ एक 180 पूरा खुला रहना चाहिए, 0 180 पूरा हर चीज़ दिखते रहना चाहिए। और कभी कभी तो ये पीछे के भी बहुत ज़रूरी है, छोड़ो कभी कभी नहीं बहुत ज़रूरी है, ये सब पॉइंट्स आप ध्यान में रख के चलाओ, राइडर एक नंबर के बनोगे आप, विदाउट एक्सीडेंट सीखोगे, और एक्सीडेंट्स कभी होगा ही नहीं, कभी होगा ही नहीं बोल के नहीं, बहुत कम चांसेस, बहुत कम घट जाएंगे, बढ़ नहीं जाएंगे, घट जाएंगे। ये तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म हो जाता है, और एक स्पेशल वीडियो बनाना है मेरे को इसके फोर्स सस्पेंशन पे, फिर टेढ़ा हो गया। देखो अभी बेंगलुरु से आते ही तो सीधा बनवा के आया था, वो भी आप वीडियो बताऊंगा, वो सब कब मालूम पड़ेगा, क्या कौन से पार्ट में कैसा खराबी आया, पता कैसे चले, फाइंड आउट कैसे करे। तो मिलते हैं बाबा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और रुको 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 रुको, आप बता दो वीडियो आपको ठीक लगा नहीं लगा, जो भी है कमेंट सेक्शन में बताओ। और एक बार माफ़ी चाहता हूँ तहे दिल से, 4 दिन वीडियो नहीं डालने के लिए, बहुत सारे लोगों ने इंस्टा पे मैसेज किया, यूट्यूब पे भी कमेंट किया, बाबा थैंक यू फॉर योर कंसर्न। अभी वीडियोस चालू हैं, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लिव लाइफ इन पीस, पीस आउट, हर हर महादेव।